दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये मीम दिखाना चाहता हूँ, आप इसे देख लीजिए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। सो दोस्तों आप लोगों को हंसी आ रही होगी इस मीम को देखकर, और एग्जैक्टली मैं वही बात भी कहने वाला हूँ कि जो आपका नोटिस है कॉलेज रीओपनिंग को लेकर वो फिर से आ सकता है। और इस वीडियो के अंदर यार मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि ये जो कॉलेज रीओपनिंग को लेकर डिसीजन लिया गया था और फिर उसे वापस ले लिया गया, इसके पीछे का जो मेन कारण है वो क्या है, और ये अपडेट आई है, स्टेटमेंट आई है ऑफिशियल्स की तरफ से, वो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। और साथ ही मैं बताऊँगा कि क्या हमारे कॉलेज रीओपनिंग को लेकर जो नया नोटिस है वो जल्द ही रिलीज़ हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों विकास सर का कहना है कि जब ये ऑर्डर पास हुआ उसके बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जो DDMA है यानी कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनके द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया है जिसके अंदर मेंशन है कि 9 अगस्त तक दिल्ली में कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो ओपन नहीं हो सकता है, यानी कि उन्हें क्लोज रखने के ऑर्डर है। सो उनका कहना है कि हम वेट कर रहे हैं DDMA की तरफ से एक प्रॉपर क्लैरिटी की, यानी कि मान लीजिए उनका सीधा सा कंसर्न ये है कि इन केस अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी रीओपन हो जाता है एंड DDMA जो है एक और ऑर्डर पास करता है जिसमें ये डेट्स को और ज़्यादा एक्सटेंड कर देता है कि पूरे अगस्त के लिए दिल्ली में कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओपन नहीं हो सकता, तो इस केस में क्या होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो DDMA के रूल्स को वायलेट करेगा, जो कि DU नहीं चाहता है। ये कहना है हमारे विकास गुप्ता सर का, और इसीलिए ये जो नोटिस है उसे वापस लिया गया है। और आगे यहाँ पर मेंशन भी किया गया है, मैं आपको पढ़कर प्रॉपर बता देता हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है, देख लीजिए, हाउएवर गुप्ता सेड द क्रिटिसिज्म फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वाज नॉट अ फैक्टर इन देयर डिसीजन, वी रियलाइज दैट द लास्ट DDMA ऑर्डर हैड सेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स शुड रिमेन क्लोज टिल अगस्त 9, एंड वी थॉट इट इज़ बेटर फॉर अस टू वेट एंड गेट क्लियरिटी ऑन व्हाट द DDMA हैज़ टू से। एंड उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज इट शुड नॉट सीम लाइक वी आर वायलेटिंग देयर ऑर्डर्स इफ दे से एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कैन ओपन वी विल गो अहेड एज प्लान्ड। सो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी 100% प्लान बना चुका है कि उसे कॉलेज रीओपन करने हैं। एंड यार देखो, काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड हो चुका है जब दिल्ली यूनिवर्सिटी बंद है, बहुत बड़ा एक पीरियड जो है वो निकल चुका है, लगभग 1.5 साल से बंद है। एंड यार वैक्सीनेशन भी हो रहा है, तो वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स के लिए एटलीस्ट DU को रीओपन किया जा सकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स वैक्सीन ले चुके हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ने डबल डोज ले लिया है, नहीं तो काफ़ी स्टूडेंट जो है पार्शियली वैक्सीनेटेड भी हो चुके हैं। तो वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स के लिए है जो है ये कैंपस रीओपन किया जा सकता है। एंड ये जो डिसीज़न है वो आपका अब हो सकता है कि 10-15 दिन बाद आए, जब DDMA की तरफ से DU को क्लैरिटी मिल जाएगी कि यस एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओपन हो सकते हैं, तो जो प्लान DU ने बनाया है उस प्लान को कंटिन्यू करेगा, मींस कि आपका कॉलेज रीओपनिंग का नोटिस फिर से आ सकता है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ कि टीचर्स की तरफ से भी इस पूरे कॉलेज रीओपनिंग को जो होने वाला था, नोटिस आया था, उसका प्रोटेस्ट किया गया था। DUTA की तरफ से जो है यहाँ पर अपोज किया गया था, कि उनका कहना था कि इतने कम टाइम में स्टूडेंट जो है वो कैसे वापस आ सकते हैं, यानी कि 10 दिन का लगभग टाइम दिया गया था, 16 तारीख से था, तो आज 6 तारीख हो गई, 10 दिन का टाइम जो है स्टूडेंट्स को दिया गया था, तो इस 10 दिन में कैसे स्टूडेंट जो है फाइनेंशियली भी उन्हें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, अरेंजमेंट करनी होगी, तो ये डिसीजन जो है वो फेयर नहीं था। तो हो सकता है कि 10-15 दिन बाद जो है ये नोटिस रिलीज़ किया जाए, एंड उसके अंदर प्रॉपर गाइडलाइंस भी मेंशन होंगी कि किस तरह से ओपन होगा, किन कौन से बच्चे आएंगे। और एक चीज़ ये भी थी यार कि ये जो नोटिस रिलीज़ किया गया था वो प्रॉपर नहीं था, डिस्क्रिप्टिव नहीं था, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन नहीं थी कि किसके लिए ओपन हो रहा है, थर्ड ईयर वालों के लिए हो रहा है या सेकंड ईयर वालों के लिए हो रहा है। तो जो नेक्स्ट जो गाइडलाइंस आएंगी वो प्रॉपर एंड डिस्क्रिप्टिव वे में होंगी, ताकि जो है हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, बच्चे पैनिक ना हो और इजीली जो है कैंपस में उन्हें वापस बुलाया जा सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, इसी तरह की और वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करें।